हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है आप लोगों के लिए ना, जो वेस्ट फैब्रिक होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे घर में, तो उनसे उनके जो कपड़े होते हैं जो छोटे हो जाते हैं या फिर जो बिल्कुल यूज़ में भी नहीं आ पाते हैं और वो छोटे भी हो जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो बच्चों की जो जीन्स होती हैं या डेनिम का जो फैब्रिक होता है या थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है, जैसे पैंट, तो एक तो डेनिम का कपड़ा हो गया, एक जो अलग एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, उस कपड़े से हम क्या बना सकते हैं अपने घर के यूज़ के लिए। तो चलिए इसी टॉपिक पर है आज की वीडियो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसी कैसे हम इन कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चों के वेस्ट कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या होता है कि हम छोटे बच्चों के कपड़े किसी को दे नहीं पाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं छोटे बच्चों के कपड़े। तो इसीलिए जो है आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बेटा है तो उसके भी कई सारे कपड़े ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जो वो बिल्कुल उसने पहने भी नहीं होते हैं, तो हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं यही मैं आज आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चैनल के बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन होगा छोटा सा, तो जिसको आपको प्रेस करना होगा, जिससे आप मेरी जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उनसे क्या क्या बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें देखिए हम किस टाइप से बच्चों की जो डेनिम की जो होती है हमको कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे घर में देखिए छोटे बच्चों की हाफ नेकर हो गए डेनिम के, ठीक है, या फिर जीन्स हो गई छोटे बच्चों की, तो हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इन डेनिम के फैब्रिक से वैसे तो खैर बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, हैंगिंग के लिए बना सकते हैं, मोबाइल कवर बना सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो हम यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, तो इन डेनिम के फैब्रिक से मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ आज डोर मैट। सबसे इजी डोर मैट है, आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, अगर इन्हें जिन्हें थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है ना तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से जो मेरे बेटे की जो छोटी छोटी मतलब जीन्स थी जो पुरानी हो गई थी उनमें से देखिए मैंने ये इस टाइप से स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर पीसेस मैंने किस साइज़ के कट किए हैं ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 4.5, ठीक है, 4.5 इंचेस के मैंने ये कट कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो देखिए इस साइज़ का भी, इस साइज़ के स्क्वायर पीसेस का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा छोटा साइज़ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, बाकी तो देखिए फिर इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जैसे कि हमारा जो एक बेस है ना हमारा वो अच्छा लगे। जैसे एक हमने बेस, एक हमने बीच में डार्क ले लिया, ठीक है, एक हमने लाइट ले लिया, ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये मैंने एक बीच में ये डार्क रख लिया, ठीक है, एक मैंने ये इधर देखिए कैसे करके ये लाइट रख लिया। इस तरीके से हम इनको अरेंज करके, और पहले हम इन्हें आपस में यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम इनको स्टिच कर देंगे, देखिए इस तरीके से करके, इस तरह से करके, और हम यहाँ पर हम स्टिच चला देंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्टिच चला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें स्टिच कितने पीसेस करने हैं, तो देखिए मेरे पास जो मैट है मेरे घर में, मैंने उसको मेज़र किया तो वो आ रहा था हमारा 15 इंचेस और 23 इंचेस। तो देखिए 23 इंचेस में मेरे ये पीसेस जो आ रहे हैं वो 7 आ रहे हैं, मतलब उसकी लेंथ में 7 पीसेस आ रहे हैं। ठीक है, और विड्थ में 3 लाइन आ रही है वो, ठीक है ना, 3 या 4 लाइनिंग लाइन आ रही है मेरी। तो इसी तरीके से मैं 15 बाय 23 इंचेस का पूरा एक पीस इनको आपस में जोड़ के मैं उनको एक पीस बना लेती हूँ, पहले एक फैब्रिक की तरह उसे यू बना लेती हूँ पहले। ठीक है ना, तब फिर मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम उनको जोड़ेंगे कैसे। ये देखिए मैं आपको जोड़ कर दिखाती हूँ पहले ये वाला पीस ना, ये
आपको इस तरीके से पीसेस को जो है जोड़ लेना है। आप जिस भी लेंथ का बनाना चाहे, आप थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं अपने किसी और यूज़ कहीं पर यूज़ के लिए तो छोटा बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा अपनी लेंथ और विड्थ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इतना, देखिए ये पीस ऐसे रेडी हो गया ना, देखिए देख पा रहे हैं आप। ये देखिए एक पीस लाइट, एक पीस डार्क, एक पीस लाइट, एक पीस डार्क, देखिए ये पूरा मैंने एक फैब्रिक एक पीस जैसे ज्वाइन कर लिया ना, ठीक है। अब अच्छे से इसको आयरन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से आपका ये एक पीस बन गया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या है देखिए, अब हमने ये पीस तो हमने रेडी कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो रॉन्ग साइड है इसको भी तो हमें फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से थ्रेड निकलेंगे। तो अब देखिए हम इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी देखिए वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास ये वेस्ट फैब्रिक पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैं इसके नीचे इसका जो है से फिनिश करने के लिए इस फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा मोटा फैब्रिक भी पड़ा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसके मैचिंग आप बाज़ार से भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी। अगर आपके घर पर पड़ा हुआ है फैब्रिक तो आप अच्छा है कि आप उसे ही यूज़ करिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि इजीली अगर हम फैब्रिक का ही हम मैट बना रहे हैं तो हम इजीली इसको वॉश भी कर सकते हैं मशीन में, नहीं तो जो मार्केट के होते हैं ना थोड़ा सा दिक्कत होती है ना मशीन में वॉश करने में, तो इसीलिए हम इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे डेनिम ना हो, डेनिम के अलावा जैसे कॉटन में भी थोड़ा मोटा कपड़ा होता है ना, बच्चे की जीन्स होती हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ, उस तरह का भी कपड़ा हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। देखिए देखिए ये है, जैसे ये पैंट थी, ये डेनिम नहीं है, ठीक है ना, डेनिम नहीं है, लेकिन ये इसी टाइप से जीन्स वाला ही कपड़ा है, थोड़ा मोटा, ठीक है। तो इस तरह से वाले कपड़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेनिम का कलर हो, आप कंट्रास्ट में कुछ ऐसे यूज़ करके सुंदर सा ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, है ना। ये देखिए जैसे ब्लैक कलर की जीन्स होती है वो भी आप ब्लैक कलर का भी ये बना सकते हैं, ब्लैक के साथ कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए और उसके साथ कंट्रास्ट में रख के आप इस तरीके से एक पीस पूरा ऐसे बनाकर जोड़कर इनको, ठीक है, आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा ये पूरा ये जितना साइज है हम इसको मेजर कर लेते हैं और फिर इसके साइज का ये कपड़ा हम नीचे के लिए काट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको नाप लेते हैं, ये हमारा कितने पीस बना है स्टिच होने के बाद, ये देखिए 15 आ रहा है हमारा, ये चीज़ हमारी 15 आ रही है जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। और देखिए ये हमारा आ रहा है 23, ठीक है ना। अब चलिए हम इसके साइज का ही हम एक फैब्रिक कट कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी फैब्रिक पड़ा हो, कॉटन पड़ा हो, कोई भी जो आपको वो आपके पास, ठीक है, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था तो मैं ये इसी को यूज़ करूँ। ये देखिए ये हमने काट लिया, देखिए इस साइज़ का फैब्रिक, ठीक है। आप चाहे तो देखिए इसमें बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी कोई पुरानी बेडशीट पड़ी हो ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इस पीस को, अपने इस पीस को रखेंगे, ठीक है। फिर हम इस पीस को हम पूरा इसको स्टिच कर देंगे, बस हम एक पोर्शन, एक साइड हम इसको ओपन रख लेंगे या फिर हम थोड़ा सा पोर्शन, हम इसको थोड़े से पोर्शन को हम ना ओपन रख लेंगे जिससे कि हम इसको सीधा कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं स्टिच, इसकी चारों साइड जो है, तीनों साइड इसकी बंद कर देते हैं। ये देखिए ये हमने इधर से भी इसको कर लिया और ये देखिए इधर से भी हमारा हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ओपन छोड़ा हुआ है जहाँ से मैंने इसको सीधा किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम सिर्फ, ताकि हमारा ये फैब्रिक ना इधर उधर ना खिसके, इसके लिए हम इसके ऊपर पूरा ऐसे राउंड में इसका जो है टॉप स्टिच इसको चला देंगे, ठीक है। फिर चाहे तो, और चाहे तो अब हम इसमें कुछ भी जैसे थोड़ा सा साइड में जैसे कोई हम कुछ करना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा कुछ जैसे वैसी वाली लेस आती है ना, जैसे साइड में आप कुछ किनारे इसकी फिनिश और अच्छा करने के लिए आप लेसेस भी लगा सकते हैं, वैसे डोरमेट के लिए इतना इनफ, ठीक है।
तो चलिए इसको हम टॉप स्टिच लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहें तो इसमें जो है, जैसे मैंने ऐसे स्क्वायर शेप लिया है, अगर आपको जैसे कहीं के लिए छोटा सा कोई डोरमेट बनाना है तो आप चाहें ना तो इस फैब्रिक को आप जैसे हार्ट की शेप में कट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओवल कट कर सकते हैं। मतलब आपने ऐसे एक फैब्रिक बना लिया है अपना डेनिम से पीसेस कट करके, फिर आप चाहे तो कोई भी शेप इसमें कट कर सकते हैं। आप चाहे तो फिश की कट कर सकते हैं, जैसे फिश होती है ना जिस शेप में, आप उस तरीके से फिश कट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको राउंड कट कर लीजिए और राउंड में आप स्टिच लगा लीजिए तो आपका ये राउंड में बन जाएगा। और चाहे तो आप इसको देखिए, ये तो मैं तो देखो डोरमैट बना रही हूँ इस डेनिम से। आप चाहें तो इसमें आपके पास छोटे छोटे कुशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के ना, तो आप उसके कुशन के कवर भी आप डेनिम के बना सकते हैं। आपकी चेयर की गद्दियाँ हैं उसकी आप कवर बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए इसको हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आप इसमें, मैंने आपको आइडियाज़ भी दे दिए मैंने आपको कि आप इसमें डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट्स उसके कवर भी बना सकते हैं इसके। आप चाहे तो जैसे ये मैंने, आप डायरेक्ट इसको पिलो बना सकते हैं, इसके अंदर आप कॉटन फिल कर लीजिए, डायरेक्ट आपका ये डेनिम का आपका ये पिलो बन जाएगा। या किसी का कवर बनाना है तो डायरेक्ट बस खाली आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको चेन बन लगानी है इसमें और बस आप किसी चीज़ का कवर इसका बना सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने तरफ से डेनिम का, क्योंकि देखिए किसी की कॉपी करना वो बहुत आसान होता है। जैसे मैंने बनाया, आपने भी बना लिया, आपने भी ऐसे स्क्वायर शेप का बना लिया। जब आप किसी का देखकर अपने आइडियाज़ का कुछ बनाते हैं ना, जैसे आपने कोई शेप डिफरेंट ले ली, तो आपको ना अपने में ही बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने उसका देखा था लेकिन मैंने ये अपने अकॉर्डिंग बनाया, मैंने ये अपने हिसाब से शेप बनाई उसकी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप देख लीजिए। देखिए मैंने आपको इसीलिए आपको मैंने बेसिक बताया है, आप अपने हिसाब से शेप्स बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का कवर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा तो ये डोरमैट है, ठीक है। आप चाहे तो डोरमैट भी बना सकते हैं, क्योंकि डोरमैट भी आप बहुत शेप्स के बना सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है स्क्वायर शेप का बनाए आप किसी भी शेप का डोरमैट बना सकते हैं। तो चलिए ये सब हम इसको टॉप स्टिच को फिनिश कर देते हैं बिल्कुल। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डोरमैट कैसा लगा। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।